सनातन धर्म में नवरात्र का बेहद महत्व है। शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, दोनों ही माँ भगवती दुर्गा की पूजा विधि विधान से जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में नवरात्र के अवसर पर जवारा बोने की एक प्राचीन प्रथम परा जो सदियों से चली आ रही है, वो आज भी इसका रूप आप देवी मंदिरों में या शक्तिपीठ मंदिर या सिद्धिपीठ स्थानों पर आप देख सकते हैं। इसको लेकर पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि इष्ट देवी देवी देवताओं को कुछ न कुछ प्रिय होती है, उसमें से दुर्गा माता को जवारा बेहद पसंद है। जवारा यानी हरियाली के प्रतीक होता है और इसी से ही माता भगवती प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा जब जवारा बोई जाती है तो उसे जवारा का विसर्जन भी किया जाता है। इसको लेकर आगे पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों पुराणों के अनुसार हमारे जितने भी आराध्य इष्ट देव देवी देवता है उनको कोई ना कोई जो प्रिय वस्तु है, प्रिय चीज़ है, उनको करते रहने से उनको प्रसन्नता मिलती है, जिससे हम प्रसन्न होकर के हमें हमारी मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री प्रिय है, भगवान गणेश जी को दुर्वा और लड्डू मोदक प्रिय है, उसी तरह से हमारे जो भगवती दुर्गा देवी हैं या जितनी हमारी सिद्धपीठ शक्तिपीठ की भगवती माताएं हैं उनको प्रकृति प्रिय है। ये माता कहलाती है, प्रकृति भगवती माता है, तो प्रकृति का तात्पर्य है सब तरफ हरा भरा देखना। इसीलिए जहाँ कहीं भी देवी मंदिर हो वहाँ नवरात्रि पर्व में जो ज्योति स्वरूपा है उनको स्थापित करके उनके चारों तरफ जो है जवारे बोए जाते हैं। यह जवारे जो हैं सप्त धान्य होते हैं जिनको नवरात्रि की एक दिन पहले विधिवत जो है पूजन इत्यादि करके एक कोई कलश में उनको भिंगाने के लिए रख दिया जाता है और दूसरे दिन उनको फिर उस ज्योति के सामने में चारों तरफ बिखेर करके उसको जवारे के रूप में बोए जाते हैं, जो नौ दिन पर्यंत भगवती के सामने में लहराते रहते हैं, जो माता जी को बहुत पसंद है। हाँ, जवारा विसर्जन कहते हैं। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में भी बहुत आप नवमी या दसवीं के दिन देखे होंगे कि लोग सांग और जवारा लेकर के बड़े धूमधाम से भगवती के पूजन और स्तुति के साथ में मांदर की धुन में जस गाते हुए भगवती को विसर्जन करने के लिए जवारे के रूप में ले जाते हैं। यह जवारा विसर्जन कहलाता है।